हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ श्याम कुलश्रेष्ठ, मैथ्स टीचर फ्रॉम एस के एल जी डी पब्लिक स्कूल। कल मैंने आपको स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट से कुछ क्वेश्चंस कराए थे। अब उसके जो बचे हुए हैं उनमें से आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे इसमें लिखा है यूज शॉर्टकट मेथड, ये मैंने इसका एग्जाम्पल आपको बताया था। इसका क्या हो जाएगा, 5 × 6 × 100 + 5 स्क्वायर। यानी ये जो 5 है इसका 5 ये कर दिया, फिर मल्टीप्लाई भाई इसका आगे वाला क्या हो जाता है, 6 × 100। 100 सब में कॉमन रहेगा, ऐसे ये 5 का स्क्वायर। अब इसको करा 6 का 100 में किया 600, और 600 का 5 में किया तो ये हो गया 3000 + 25। तो ये क्या हो जाएगा, 3025। दोबारा समझ लो, 6 का 100 में किया 600, और 600 का 5 में किया तो 3000। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया। ये शॉर्टकट मेथड है, अदरवाइज क्या करते, 55 × 55, 55 का 55 में आप मल्टीप्लाई करते। जो भी चीज़ बनाई गई है जैसे फॉर्मूले, शॉर्टकट मेथड, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्यों बनाई गई हैं, कि हमारा जो क्वेश्चन है वो जल्दी से सॉल्व हो जाए। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, इसमें ये बतानी है। इसमें ये क्वेश्चन है 1, 2, 3 एंड 4, इसमें कौन सा है जो इस रूल को फॉलो करता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या है, जो पाइथागोरस थ्योरम थी वो है। पाइथागोरस में क्या था, जो हाइपोटेनियस थी वो किसके बराबर थी, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकल स्क्वायर। अब इसमें देखो 3 3 डिजिट हैं, तो इसमें एक डिजिट के स्क्वायर का सम, वो एक डिजिट के स्क्वायर जो दो दोनों डिजिट के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। मैं इसमें से कोई सा भी एक ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया सेकंड पार्ट, इसमें क्या है, 3 4 एंड 5, तो इसको हमने लिखा 5 का स्क्वायर इक्वल 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 5 स्क्वायर क्या हो गया, 25। 3 स्क्वायर क्या हो गया, 9। 4 स्क्वायर हो गया 16। इन दोनों को ऐड किया तो ये कितना हो गया, 25, और ये भी 25। अब देखो इसमें दोनों साइड इक्वल आ गए, तो ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। तो यहाँ लिख देंगे हेंस इट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, और अगर जो इक्वल नहीं है, जैसे ये दोनों साइड इक्वल नहीं आई, तो वो ट्रिपलेट्स नहीं है। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक। ये वाला क्वेश्चन आपको इस बुक्स में ही करना है, पेंसिल से। ठीक है, अब देखो 1 1 1 स्क्वायर, 1 + 2 + 1, इसका सम कितना हो गया, 4। तो ये 2 का स्क्वायर, 1 + 2 + 3 + 2 + 1, ये किस इनका सम किया तो ये कितना हो गया, 9। अब देखो इसमें 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, तो इनका सम कितना होगा, 16। दूसरा हम कैसे समझा सकते हैं, जो मिडिल वाला टर्म है उसका डबल हो जाता है। यहाँ देखो, यहाँ मिडिल टर्म 4 था तो ये डबल हो गया, यहाँ 3 था डबल, 3, तो इसका डबल हो गया 9। अब देखो इस वाले में, इसमें जो डबल आ रहा है वो मिडिल टर्म क्या आ रहा है, 5। तो 5 का क्या हो गया, यहाँ 25, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर। अब इस वाले में मिडिल टर्म क्या है, 6 6 का डबल क्या हो गया, 36। तो ये क्या हो गया हमारा, 6 का स्क्वायर। इसी तरीके से आपको ये आगे वाले कर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। 1 1 स्क्वायर अपॉन 1, 121 इक्वल क्या हो गया,
22 स्क्वायर और 1 प्लस 2 प्लस 1। अब देखो 1 2 3 2 1, इसमें 3 3 3 का होल स्क्वायर आ रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। अब देखो इसमें क्या है, सम में क्या आ रहा है, जो मिडिल टर्म है उसको 2 बार लिख लिया है और उसका स्क्वायर कर दिया है, और नीचे क्या है, इन जो डिजिट हैं जितनी सारी उन सब का सम कर दिया है। अब देखो 1 2 3 2 1, इसमें मिडिल टर्म क्या है, 3, तो 3 को 3 बार लिख दिया, इधर 2 था तो 2 को 2 बार लिख दिया। अब यहाँ 4 है तो यहाँ क्या करेंगे, 4 को 4 बार लिख देंगे और इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर, और नीचे क्या कर देंगे, इन सबको प्लस कर देंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ये एक तरह का पैटर्न है, वो इन्हीं के अकॉर्डिंग बनता है, ठीक है। इसी तरीके से आप कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, 5 मिडिल टर्म है तो 5 को 5 बार लिख कर उसका होल स्क्वायर कर देंगे, और नीचे वाले डिजिट है ये सारे प्लस कर देंगे। क्लियर हो गया ये? अब देखो ये, यू नो दैट द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर एन सच दैट 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इक्वल 4 स्क्वायर इक्वल 16। देखो इसका मतलब क्या है, ये 1 3 5 7 टोटल डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4, तो जितने काउंट करते हैं उसका स्क्वायर हो जाता है। ये क्या एक ट्रिक्स है, वैसे आप क्या करोगे, इन सबको प्लस करोगे तभी आंसर आएगा, इनको प्लस करोगे, और लेकिन ट्रिक से क्या हो गया, ये हम सिंपली कर देंगे। जैसे ये वाला है 1 2, इसी वाले को ले दें, लास्ट वाले को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये कितना हो गया, 12। तो ये हो गया हमारा 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर हम जानते कितना होता है, 144। तो कितना इजीली हो गया, ये ट्रिक से हो गया ना ये, यानी जितने डिजिट हैं उन सबको काउंट कर लो फिर उसका स्क्वायर कर दो। लेकिन कंडीशन है, देखो सब में देखो क्या है, ऑड नंबर सीक्वेंस वाइज प्लस हो रहे हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11। आप ऐसे नहीं कर सकते हो जैसे आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तब भी कर दो आप ऐसे 1 2 3 4, ये 4 का स्क्वायर हो गया। तो ये रूल फॉलो नहीं करेगा, ये कब करेगा, जब ये नंबर ऑड में होंगे और सीक्वेंस वाइज प्लस हो रहे होंगे, 1 प्लस 3, 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है। ये भी नहीं कर सकते हैं कि 1 प्लस 5 प्लस 3, सीक्वेंस वाइज सम होगा तब ये रूल फॉलो हुआ, ठीक है। ये वाली जो है पेंसिल से करने हैं बुक्स में ही, बाकी जो क्वेश्चन थे वो नोटबुक में आपको करने हैं। ओके, नाउ आई फिनिश माई दिस वीडियो, थैंक यू।